सो गाइस आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्सर RS 200 की EMI और डाउन पेमेंट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए बाइक को लेने के लिए, क्या डाउन पेमेंट आपको देना होगा, और आप अगर लोन कराते हैं इस बाइक को तो आपकी कितनी EMI आती है पर मंथ की। ये सब आपको मैं इस वीडियो में अंदर बताने वाला हूँ। पल्सर RS 200 का ऑन रोड प्राइस है 1,89,000 रुपीज़ जयपुर के अंदर। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको अपना आधार कार्ड देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, अकाउंट पे ही चेक देना होता है, पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ देनी होती है, और आपको अपना इनकम प्रूफ देना होता है। जो लोग भी जॉब करते हैं वो अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं, और जो लोग भी बिजनेस करते हैं वो अपनी करंट ईयर की 2 साल की ITR दे सकते हैं एज एन इनकम प्रूफ। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में। 1,89,000 रुपीज लगभग यहाँ पर ऑन रोड प्राइस है बाइक का। आप लगभग 85% जो है बाइक का यहाँ पर लोन करा सकते हैं, जो कि 1,60,000 रुपए होता है। अगर आपकी सैलरी लगभग 15,000 रुपए है तो आप ये बाइक को आराम से फाइनेंस करा सकते हैं। तो बात करें आपकी मिनिमम सैलरी लगभग 15,000 रुपए होनी चाहिए अगर आपको पल्सर RS 200 बहुत ही आसानी से फाइनेंस करानी है। मिनिमम एज जो है बाइक फाइनेंस कराने की वो 21 साल है। यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, आपकी इनकम के हिसाब से है, हर चीज़ अलग हो सकती है। यहाँ पर एक बहुत सिंपल मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर हम 3 साल का लोन लेते हैं तो कितनी EMI आती है, और अगर हम 4 साल का लोन लेते हैं तो कितनी EMI आती है। अगर आपकी सैलरी लगभग 15,000 रुपये प्रति महीना है, और अगर आप 85% तक बाइक लोन कराते हो, तो 1,60,000 रुपये का लगभग आप यहाँ पर लोन लेते हो, तो 10% इसका आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आप 3 साल का लोन लेते हो, मतलब 36 महीनों का लोन लेते हो, तो आपकी पर मंथ की EMI आती है लगभग 5,778 रुपीज़। और यहीं आप सब कुछ सेम रख के सिर्फ लोन का टेन्योर, लोन की अवधि बढ़ा के 4 साल या फिर 48 महीने कर देते हैं, तो आपकी पर मंथ की EMI आती है लगभग 4,667 रुपीज़। यहाँ पर पल्सर RS 200 जो मेरे हिसाब से है वन ऑफ दी बेस्ट 200cc क्लास बाइक है, फेयर्ड बाइक की अगर बात करी जाए, बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल है, वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पर बात करें बाइक के बारे में, तो बाइक लगभग 35 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज दे देती है। 140 किलोमीटर पर आर की यहाँ पर आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अगर आप लोन पे बाइक लेना नहीं चाहते तो मेरे हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करिए, उसे बढ़ने दीजिए, फिर उसके बाद पूरा पेमेंट करके बाइक लीजिए। बिकॉज जो लोन होता है उसमें आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो बैंक को इंटरेस्ट के रूप में, तो मेरे हिसाब से वो एक सही ऑप्शन नहीं होता है। इससे अच्छा पैसे बचाओ, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और बाइक जो है पूरा पेमेंट करके लो। यहाँ पर RS 200 की और बात बताऊँ तो 199.5 cc का इंजन आता है बाइक के अंदर। 24.13 ब्रेक हॉर्स पावर पंप आउट करता है, 18.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क पंप आउट करता है। डुअल चैनल ABS इस बाइक के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम आता है। रियर डिस्क ब्रेक 230 mm का है। रियर टायर जो है वो 130x70 सेक्शन का है। 17 इंच के यहाँ पर अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं बाइक के अंदर। बाइक जो है बहुत बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के साथ आती है। मेरे हिसाब से एक ड्यूरेबल बाइक है, एंड इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, मतलब बहुत ही आसानी है इस बाइक को पालने में, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सीट हाइट जो है लगभग 810 mm की है बाइक की, तो जितने भी राइडर्स 5 फीट 6 इंच से ऊँचे हैं वो इस बाइक को बहुत ही आसानी चला सकते हैं। हेडलाइट क्लस्टर मुझे काफ़ी पसंद है, बाई प्रोजेक्टर हेडलाइट क्लस्टर आता है बाइक के अंदर, एंड काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो लुक आता है ट्रांसफार्मर वाला वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इंडिया में बहुत लोगों को जो है RS 200 पसंद है। टोटल 3 कलर आते हैं इस बाइक के अंदर, ब्लैक, रेड एंड वाइट, एंड मुझे ये ब्लैक वाला कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है अगर यहाँ पर तीनों कलर्स में से एक कलर की बात बताऊँ। सो गाइस यहाँ पर बाइक के बारे में और बात करें तो लगभग 166 किलोग्राम्स की ये बाइक है। काफ़ी रिफाइंड इंजन आता है इस बाइक के अंदर, 6 गियर्स आते हैं, काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्ट्स है, बहुत ही चीप है मेंटेनेंस में, बट जो यहाँ पर प्राइस है मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। 1,89,000 रुपीज़ इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है। तो इसके कंपेटिटर्स से अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसकी प्राइसिंग मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। बाइक के बारे में थोड़ा और बात करें तो 140 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड है, एंड यहाँ पर जो ब्रेकिंग है बाइक की वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। हैंडल बार्स की जो पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है, राइडिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया है बाइक के अंदर, बिकॉज हैंडल बार्स की पोजीशनिंग बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एक टूरिंग बाइक भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं।
डेली यूज के लिए काफ़ी बढ़िया है बाइक, लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी अच्छी है बाइक, तो मेरे हिसाब से ये हर एक काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है, ये लुक पसंद है, तो मेरे हिसाब से RS 200 आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार बाइक है। आज की वीडियो थी ऑल अबाउट द EMI एंड डाउन पेमेंट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ। Bye-bye.